हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डाइटिशियन बिस्मा और आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ वो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है और आप सबकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ ओबेसिटी, जिसको हम उर्दू में कहते हैं मोटापा। मोटापा तब होता है जब आपके जिस्म की चर्बी जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगे। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी उसके चार मेजर रीजंस कि जिसकी वजह से आपके जिस्म की चर्बी बढ़ जाती है। सबसे पहले है हमारी बैड फूड चॉइसेस, दूसरा आ जाता है सेडेंट्री लाइफस्टाइल, बिग पोर्शन साइज और लेस फाइबर फूड कंटेंट इनटेक। अब बात करते हैं हम बैड फूड चॉइसेस की, तो उनमें आता है हमारे पास हाई फैट कंटेंट, हाई सोडियम एंड हाई शुगर कंटेंट, जो कि आप ले लेते हैं और इसमें आप अपना फाइबर का कंटेंट काउंट नहीं करते। जब आप फाइबर का कंटेंट कम लेते हैं तो आपकी बॉडी में फैट इजीली डिपॉजिट होता जाता है। और सेकेंडली जो मैं बात करूं आपके पास शुगर कंटेंट की, तो शुगर कंटेंट तो आपके पास चावल रोटी के साथ साथ जो आप लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ले रहे होते हैं, आर्टिफिशियल जो जूसेस कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो उसमें इजीली आपकी बॉडी में तेजी से ग्लूकोज का कंटेंट डिपॉजिट हो जाता है और वो जाके डिपॉजिट होता है आपके बैली फैट में। बैली फैट रीजन जो है आपका एब्डोमिनल रीजन भी कहलाता है और अब्डोमिनल रीजन यानी के पेट की चर्बी को बढ़ाता है। और जब पेट की चर्बी बढ़ जाती है तो यहाँ पर बहुत सारी डिजीजेस आपकी बॉडी में प्रिवेल कर जाती हैं, यानी आप बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहले तो आपको शुगर होता है, शुगर मानी डायबिटीज हो जाता है, हाइपरटेंशन यानी कि आपकी जो ब्लड प्रेशर है उसका लेवल बढ़ जाता है, और जो इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स है जो आजकल की खवातीन में बढ़ता हुआ दिख रहा है। वी हैव मैनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज लाइक वॉक, जॉगिंग, हम वर्कआउट कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। इजीली जो भी आपसे फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है आप उसको जरूर करें और अपनी लाइफ को हेल्दी स्टाइल की तरफ लेके जाने की कोशिश करें। सेडेंट्री लाइफस्टाइल इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो बिग पोर्शन साइज का मतलब ये होता है कि आपके खाने की मिकदार आपकी बॉडी से ज्यादा होती है। ऑफ कोर्स अगर आप लोग बिग पोर्शन साइज ले रहे हैं तो उसमें कैलोरीज भी ज्यादा है, उसमें कार्ब्स भी ज्यादा है, उसमें फैट्स भी ज्यादा है, चाहे आप कोई भी फूड ले रहे हैं, लेस फाइबर कंटेंट इन योर फूड। तो उसका क्या मतलब है? फाइबर हमारे पास एक सब्सटेंस है, एक न्यूट्रिएंट है जो डिफरेंट काइंड ऑफ हमारे पास जो फूड में प्रेजेंट होता है, हमारे पास बीन्स में होता है, लेंटन्स में होता है, यानी कि बीन्स जो हम लोग काले चने, वाइट चने या लोबिया का इस्तेमाल करते हैं, या फिर डिफरेंट लेंटन्स हैं, दालें आ गई, बहुत जितनी भी दालें हैं हमारे पास उनकी बात की जाए, या फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात करें तो इन में फाइबर कंटेंट ज्यादा होता है। तो जब इसकी हम लोग इनटेक कम रखते हैं तो वो भी हमारी बॉडी को डिफरेंट बीमारियों की तरफ लेके जाता है जो हमें लग जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हमें होती है, जिससे ये है कि हमारी जो बाउल मूवमेंट्स हैं यानी कि हमारा जो स्टूल पास होने का टाइम है वो डिले हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर बहुत सारी इन्फ्लेमेशंस हो जाती हैं। और ये चीज है कि अगर आप इसको कम ले रहे हैं तो ऑफ कोर्स ये आपकी बॉडी में फैट यानी चर्बी बढ़ाएगा और आपका वेट ओवरवेट से ओबेसिटी की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा। तो आज की जो रिकमेंडेशंस हैं मेरे दोस्तों के लिए वो ये हैं कि अपनी जो आप फूड कंज्यूम कर रहे हैं उसमें फैट कंटेंट को कम कर दें, यानी कि अपनी ऑयल की जो क्वांटिटी है उसको अपने खानों में कम रखें। रिफाइंड शुगर इज अ पॉइजन, क्योंकि ये बहुत तेजी से फैट में चेंज होता है और बहुत तेजी से आपको बीमारियों की तरफ लेके जाता है। परेशान नहीं हो बल्कि अपनी डाइट को चेंज करें, क्योंकि जब तक आप अपनी डाइट पे फोकस नहीं करेंगे आपका वेट चेंज नहीं हो सकता। जिन मेरी बहनों को हार्मोनल इशू है वेट को कम करें और देन उसके बाद अपने हार्मोनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती हैं। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके किसी रिकमेंडेड टॉपिक पे बात करूं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।